हाय एवरीवन, हमारे इस चैनल द कोऑपरेटिव पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो हमारे फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ चुका हो। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हिंदी में किस तरह के वाक्य होते हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ने से पहले आपको मैं एक बार याद दिला दो कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने ये पढ़ा था कि जिस भी वाक्य के बाद में रहा है, रही है, रहे आए, इसका मतलब वो हमारा जो सेंटेंस है वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं हमने उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने यूज करी थी। ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस में भी आईएनजी यूज की थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और पास्ट में भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज की थी। ठीक है, और पास्ट में हमने वॉज वर यूज किया था, प्रेजेंट में हमने इज एम आर यूज किया था। अब हमें फ्यूचर में क्या यूज करना है, फ्यूचर में भी हमारा सिंपल वही है। आपकी जो हेल्पिंग मेन वर्ब है वो तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हमारा ये टेंस फ्यूचर का है तो हमें यहाँ पे विल और शैल यूज करना है। लेकिन एक इतनी सी बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें विल और शैल के साथ आपको बी भी यूज करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई काम जो आपके भविष्य काल में लगातार चल रहा होगा, ठीक है, तो उस काम को हम दर्शाने के लिए यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी, मतलब कल मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो है किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, आपको बोलना हो मैं जोधपुर जा रही होंगी, ठीक है, मैं जोधपुर जा रही होंगी, मैं खाना खा रही होंगी, इस टाइम पे मैं सो रही होंगी, तो ये जितने भी वाक्य हैं ये हमारे सेंटेंसेस हैं किसके, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अब आपको मैं बताती हूँ कि इंग्लिश में आपको इनको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें सिंपल सा सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें विल बी या फिर शैल बी लगाना है। अब विल का आपको यूज पता है कहाँ है, और शैल का यूज आपको कहाँ करना है, जब भी आपके पास आई या वी हो तब आप शैल यूज करेंगे। आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आप विल यूज करेंगे। फिर आपको बी यूज करना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना हो कि कल मैं जोधपुर जा रही होंगी, ठीक है, तो इसका इंग्लिश में होगा आई शैल बी गोइंग टू जोधपुर टुमोरो। ठीक है, ऐसे मुझे बोलना हो कि वह पढ़ रही होगी, ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे शी विल बी स्टडिंग, राइट। जैसे मुझे बोलना हो कि कल मैं पढ़ा रही होंगी, तो मैं बोल सकती हूँ आई शैल बी टीचिंग टुमोरो। ठीक है, तो ये टेंस काफी इजी है। प्लीज आप जितने भी अपने डेली कॉन्वर्जेशन में, आप डेली यूज में जितनी भी बातें बोलते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हैं, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप बोल सकते हैं कि मम्मी कल इस टाइम पे मैं खाना बना रही होंगी, ठीक है, आई शैल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे डेली कॉन्वर्जेशन के सेंटेंसेस को इंग्लिश में। अब हमने यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस देखा है। अब मुझे बोलना हो कि भाई आप इसको नेगेटिव में बनाओ कि मैं कल नहीं पढ़ रही होंगी, तो आप इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट बी स्टडिंग टुमोरो। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, शैल के बाद या विल के बाद सिंपली नॉट लगाना है, और बी हमें उसके बाद लगाना है। जैसे मुझे बोलना हो कि वह कल घर नहीं जा रही होगी, तो इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी शी विल नॉट बी गोइंग टू होम टुमोरो। ठीक है, तो हमने विल और शैल के बाद में सिंपली नॉट यहाँ पे यूज किया है, फिर हमने बी यूज किया है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया है। ठीक है, अब हमने बात करी एफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की। अब मुझे बोलना हो कि आपको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक में बनाना है। अगर मुझे बोलना हो कि क्या वह 2 घंटे क्या वह पढ़ रही होगी, तो इसको इंग्लिश में मैं कैसे कहूंगी, सबसे पहले आपको जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी उनको आगे लगा देना है। ये बात आपको मैंने बहुत बार टेंसेस में बता दी है कि जब आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। तो इस टेंस में हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। तो आपको इस टेंस में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको बी यूज करना है। ठीक है, बी के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मुझे हूं कि वह क्या वह कल जोधपुर जा रही होगी, इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे विल। विल शी बी गोइंग टू जोधपुर टुमोरो। ठीक है, क्या मैं कल जोधपुर जा रही होंगी, सो इसमें मैं बोलूंगी शैल आई बी गोइंग टू जोधपुर टुमोरो।
क्या वे लोग कल जोधपुर जा रहे होंगे, तो इसका हम मैं बोलूंगी विल दे बी गोइंग टू जोधपुर टुमोरो। सो आपको क्या करना है, विल या शैल पहले यूज करना है, फिर सब्जेक्ट यूज करनी है, फिर बी यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो काफी इजी टेंस था। तो अब आपको मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देने जा रही हूँ जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। मैं कल हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पढ़ रही होंगी। दूसरा सेंटेंस ये है कि कल वह टीचर से मार खा रही होगी। थर्ड सेंटेंस हमारा ये है कि कल वह बाइक चला रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि कल हम हर्ष पर्वत पर घूम रहे होंगे। फिफ्थ सेंटेंस ये है कि कल हम शादी में जा रहे होंगे। सो इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कुछ डाउट वगैरह हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।